इंडियन स्नैक्स, समोसा, गुलाब जामुन सारा था. ऐसा नहीं है कि आप अच्छे कॉलेज में चले गए तो जॉब आपकी पक्की है. तो देर आर लाइक पॉप अप्स, देर आर लाइक गेम्स एवरीवेयर. आपको ऐसे जॉब में रखेंगे. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. फॉर ऑल ऑफ यू हु आर न्यू, आई एम तानिया. आई केम टू कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड नाउ वर्किंग ओवर हियर. सो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है दो चीज़ों की वजह से. एक, लुक एट द वेदर आउट, इट्स अमेजिंग एंड समर्स आर फाइनली हियर, वी आर बैक टू आउटडोर शूट्स. एंड नंबर टू, आई एम गोइंग टू हैव अ स्पेशल गेस्ट ऑन माई चैनल टुडे. शी मेक्स अमेजिंग यूट्यूब वीडियोज. आप लोगों ने डेफिनेटली उनके वीडियोज देखे ही होंगे इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू कैनेडा. एंड लेट्स इंट्रोड्यूस हर. हे एवरीवन, सो माय नेम इज दीपिका मान. थैंक यू सो मच तानिया फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी इन सच अ फन वे. सो फर्स्टली आई वुड से कि तानिया इज डूइंग ग्रेट जॉब ऑन हर यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम. बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है. सो हेयर वी आर गोइंग टू कंपेयर टू कॉलेजेस टुडे, टू मोस्ट पॉपुलर कॉलेजेस टुडे, दैट इज हम्बर्ट एंड सेंटेनियल. सो पार्ट वन इज ऑलरेडी अप ऑन माई चैनल. आई गेस तुसी देख ली होनी वीडियो, बट इफ नॉट देन गो, लिंक इज इन द बायो और हेयर. सो तुसी जरूर देखियो. एंड नाउ हेयर वी आर फॉर द पार्ट टू. सो पहले शुरू करते हैं छोटे से इंट्रोडक्शन से. सो आई डिड माई कोर्स एट हम्बर कॉलेज लेकशोर कैंपस एंड द कोर्स वॉज एडवर्टाइजिंग मीडिया मैनेजमेंट और ये एक साल का कोर्स था. एंड दीपिका, सो आई डिड पोस्ट सेकेंडरी बायोटेक्नोलॉजी फास्ट ट्रैक डिप्लोमा. आई नो इट्स अ लॉन्ग नेम. सो आई डिड फ्रॉम मॉर्निंग साइड कैंपस सेंटेनियल कॉलेज. इट वॉज अ टू ईयर प्रोग्राम, सो इट वॉज 16 मंथ्स प्रोग्राम. ओके ग्रेट. हमने पांच पॉइंट्स ऑलरेडी दीपिका के चैनल पे डिस्कस कर लिए हैं. सो पॉइंट नंबर 6 विच इज़ रिसोर्सेज एट द कैंपस. सो कैंपस कैसा था, क्या रिसोर्सेज थे एंड व्हाट वर द बेनिफिट्स दैट यू गॉट फ्रॉम द कैंपस. So for me, I studied from Morningside campus. So Morningside campus is not that big. So it's a smaller one. It has all the medical courses like nursing and then your medical physiotherapy and then the biotechnology, food technology. So every course related to the medical field is studied there. Whereas all the engineering courses are done on the Progress campus. So itna zyada bada campus nahi tha. To uski wajah se resources bhi thodi kam thi, but थी सब. सो वी हैड अ लाइब्रेरी जो कि थोड़ी छोटी थी, जितनी कैपेसिटी थी स्कूल कॉलेज की, सो इट वॉज फाइन फॉर दैट. एंड ऑल्सो रिसोर्सेज की अगर बात करूँ तो हमारे पास जिम्स भी थी, तो जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी. एंड आफ्टर दैट ऑल द बुक स्टोर वर देयर एट द कैंपस ओनली. सो बुक स्टोर से जाके अगर मुझे लैब कोट चाहिए था केमिस्ट्री के लिए या माइक्रोबायोलॉजी के लिए, लैब किट चाहिए थी या कोई भी बुक चाहिए थी, तो सब कुछ वहीं पर अवेलेबल था. सो सेम हम्बर कॉलेज, मैं लेकशोर कैंपस में थी, विच वॉज आई वुड से द बेस्ट कैंपस इन हम्बर. सो काफ़ी सारे रिसोर्सेज थे. वी हैड लाइक लैब्स, वी हैड लाइब्रेरीज. सो फॉर एडवर्टाइजिंग स्पेसिफिकली अगर आपको शूटिंग करनी है या कुछ, तो यू कुड रेंट कैमराज, एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट. यू कुड रेंट कैमराज, यू कुड गो टू द एडिटिंग रूम्स एंड वहाँ पर आप अच्छे सॉफ्टवेयर्स पे एडिटिंग कर सकते हो. देयर वर जिम्स, जिम्स पे बहुत सारे फन क्लासेस भी होते थे जैसे योगा, ज़ुम्बा. सो इट वाज द कैंपस हैड एवरीथिंग यू नीडेड एंड आपको कुछ एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है. आप अपनी सारी एडिटिंग और सारी चीज़ें कॉलेज में कर सकते हो. सो ये सारा था. लाइब्रेरी आई वुड ऑल्सो लाइक टू पॉइंट आउट कि इतनी बड़ी नहीं थी एंड ऑफन वेन एग्ज़ाम्स होते थे तो हमें जो बुक चाहिए होती थी पढ़ने के लिए, दैट यूज टू बी लाइक ऑलरेडी टेकन बाई समवन, तो वो कभी कभी एक प्रॉब्लम आती थी. बट आई वुड गिव यू हेयर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर ऑल द सब्सक्राइबर्स, ऑल द व्यूअर्स हु आर वॉचिंग दिस. सो अगर आप भी किसी कॉलेज में पढ़ते हो, हम्बर या सेंटेनियल या कोई और भी, तो आपको अगर बुक्स नहीं मिलती हैं, तो वट यू कैन डू इज, इट्स अ स्मार्ट टिप, आई नो इट्स अ क्रीपी वन, बट यू कैन जस्ट टेक दैट बुक आउट फ्रॉम दैट शेल्फ एंड किसी और सेक्शन में जाके छुपा दो, सो दैट जैसे एग्जाम पास आए यू कैन जस्ट यूज दैट बुक फ्रॉम देयर. और द सेकेंड, आई नो आई डिड दैट. और द सेकेंड टिप इज दैट कि अगर आपका कोई फ्रेंड्स का सर्कल है, अगर मैंने बुक ली तो अगर मुझे सिर्फ 7 days ही अलाउड है, तो मुझे रिटर्न करनी है उसके बाद. सो आई विल जस्ट रिटर्न दैट बुक एट दैट टाइम एंड आई विल जस्ट ब्रिंक अनदर फ्रेंड ऑफ माइंड एट द सेम टाइम, सो दैट वो उसी टाइम बुक लेके इशू कर ले, रीइशू कर ले, सो दैट द बुक विल रिमेन इन लाइक आवर ग्रुप ओनली. वेरी स्मार्ट, काफ़ी अच्छी टिप है ये वैसे. So, yeah.
अब somehow हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने इन बुक्स का PDF वर्जन ढूंढ लिया था एंड वो हमें एग्जाम से पहले वो दे देते थे, तो वी वर जस्ट लाइक थैंक यू सो मच क्योंकि हम फिर उसी से पढ़ाई करते हैं। सो अनदर टिप, कनेक्ट विद योर सीनियर सो दैट दे कैन प्रोवाइड यू एनी ऑनलाइन रिसोर्सेज और एनी बुक फॉर फ्री। डेफिनेटली। तो हो गई बात रिसोर्सेज की, अब पढ़ाई के साथ थोड़ा फन भी जरूरी है, तो कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या थी? सो सेंटेनियल कॉलेज मॉर्निंग साइड कैंपस में एक सोशल क्लब वाला रूम होता था, सो वहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज़ लाइक इन केस यू आर टायर्ड और योर ब्रेक इज़ गोइंग ऑन, यू कैन जस्ट ले डाउन ऑन दैट सोफा, स्लीप देयर। सो काउचेस थे वहाँ पे अलग, तो वहाँ पे मैं सो जाती होती थी बहुत टाइम, और ऑल्सो बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स होती थी वहाँ पे, लाइक यू कैन जस्ट सिट देयर, हैव चिल एंड जस्ट वॉच नेटफ्लिक्स। सो वहाँ पे बहुत सारे शोज चलते रहते थे एंड ऑल्सो फ्रेंड्स तो 24 घंटे चलता रहता था, कोई भी देखना चाहता है यू गाइज कैन जस्ट जॉइन अदर ग्रुप्स देयर और मेक फ्रेंड्स। सो अदर देन दैट बहुत सारी गेम एक्टिविटीज़ भी होती थी, लाइक बहुत सारी गेम्स होती थी कि यू जस्ट हैव टू पुट सम कॉइन्स इन दैट एंड जस्ट प्ले दोज गेम्स एंड विन समथिंग आउट ऑफ इट। सो ऐसा था। Yeah, I feel that's a very good way to even make friends. इतना happening था कि any point of day आप कहीं पर जाओगे तो there are like pop-ups, there are like games everywhere. एक जगह पर popcorn stand लगा होगा, एक जगह पर like live Jenga होगा and like कोई भी game खिला रहे होंगे वो, just like a quiz or anything and वो आपको Humber की goodies दे रहे होंगे। So I have like Humber bottle, Humber gloves, Humber hat, like सब कुछ है Humber का उन games को जीत जीत के। I am feeling jealous here. तो कैंपस बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग था एंड मतलब आप कभी भी इवन 7:30 AM को आप चले जाओ तो कुछ ना कुछ चल ही रहा होता था एट एनी पार्ट ऑफ द कैंपस। एंड अनदर थिंग, सो मच फ्री फूड, सो मच फ्री फूड, मतलब रैंडम लाइक पिज्ज़ा पार्टीज, हॉट चॉकलेट डेज जहाँ पे यू हैव लाइक टन्स एंड टन्स ऑफ फूड टू ईट, लाइक पैनकेक्स, वॉफल्स, पेंट नाइट्स जहाँ पे बस आपको कुकीज खाना। ओके, इनफ 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 इनफ, दिस इज टू मच। ओके, मुझे पहले भूख बहुत लगी हुई है और सुन के और भूख लग रही है। बहुत बहुत ये रोज मिलता था, ऑलमोस्ट रोज होता था, कुछ ना कुछ होता था, मतलब एक लिस्ट होती थी कि ये आज ये है आज ये है। एंड आई थिंक माई फेवरेट एक्सपीरियंस वॉज एन आउटडोर मूवी नाइट, तो रात के 7-8 बजे लाइक उन्होंने एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई थी हमारे मतलब बीच में एक पार्क में हम्बर के अंदर ही जो है, एंड वहाँ पे भी अगेन स्नैक्स तो होने ही थे, बहुत सारा खाना, मूवी, सब मज़े कर रहे हैं। सितंबर का महीना, वेदर भी बहुत अच्छा था, सो कॉलेज बहुत फन था, ये चीज़ें तो मैं बहुत मिस करती हूँ। सेंटेनियल की बात करूँ, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब ऐसे खाना वगैरह कुछ नहीं मिलता था। इट वॉज देयर फॉर जस्ट वन डे एंड आई रिमेंबर दैट वॉज माई इंडक्शन डे, माई फर्स्ट डे एट कॉलेज। सो वी आर लाइक फ्री फूड एंड फ्री गुडीज फ्रॉम द कॉलेज, फ्री वाटर बॉटल्स थी एंड देन बैजेस थे एंड बैग्स थे, अदर देन दैट हुडीज थी, ऐसी चीज़ें थी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी। बट आफ्टर दैट कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमें फ्री फूड मिले, सो आई एम जेलस हियर। पिज्जा तो ऑलमोस्ट रोज, मतलब टू अ पॉइंट में बोर हो गई थी कि अब नहीं खाना। एक चीज जो बहुत लोग पूछते हैं इज लाइक हाउ इज द डाइवर्सिटी, क्योंकि आप इतनी दूर कनाडा आ रहे हो तो लोगों को ऐसा होता है कि एटलीस्ट हमें दूसरे लोग भी दिखे, सिर्फ इंडियंस ना दिखे। सो हाउ इज दैट इन सेंटेनियल? सो एट सेंटेनियल इफ आई वुड गिव अ परसेंटेज और एनी रेंज फॉर द डाइवर्सिटी, आई वुड से 70% आर इंडियन। अदर देन दैट बहुत सारे और भी लोग हैं अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री, सम आर फ्रॉम कैनेडा ओनली एंड सम आर फ्रॉम लाइक साउथ एशिया, एशिया, चाइनीज, नाइजेरियन, सो रशियन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं अलग अलग कंट्री से आए। तो इट्स ऑल अबाउट डाइवर्सिटी, आई वुड से इट्स बेटर टू कनेक्ट विद एनीबडी हु इज़ नॉट इंडियन, सो दैट यू कैन जस्ट गेट टू नो देयर कल्चर, यू कैन इन्जॉय देयर फेस्टिवल्स एज वेल, बिकॉज कैनेडा ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर एक कल्चर को बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। कोई भी यहाँ पे फेस्टिवल होता है, आई रिमेंबर इफ़ यू नो दैट टू, लाइक देर इज़ अ चाइनीज़ फेस्टिवल एज वेल, लाइक एवरी ईयर वो आता है और यहाँ पे सब कुछ डेकोरेट उस हिसाब से किया जाता है। सो यहाँ पे हर एक कल्चर को रिस्पेक्ट उतनी ही मिलती है। सो डू।
एंड अगेन लाइक मेरे कोर्स में भी मोस्टली सारे जो थे इंडियंस थे, लाइक 60-65% तो इंडियन ही थे, बाकी कुछ कनेडियंस थे एंड कुछ जो रशियन टर्किश ये सारे लोग थे, बट मेनली इंडियंस ही थे. एंड ये तो मेरा कोर्स फिर भी लोग कहते थे कि काफ़ी डाइवर्स है क्योंकि एडवर्टाइजिंग इतना इंडियंस नहीं लेते. बट इफ़ यू गो फॉर कोर्सेज लाइक ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट या ऐसा कोई पॉपुलर कोर्स, तो वहाँ तो मोस्टली आपको इंडियंस ही मिलेंगे, विच इज़ आई मीन थोड़ा सा डाइवर्सिटी अच्छा होता है, बट इवेंचुअली आप उन इंडियंस के साथ ही कनेक्ट करोगे, तो अच्छी भी बात है कि आप उनसे कनेक्टेड हो. यू फील लाइक होम विद यू फील लाइक होम. एक दूसरी चीज़, आप जब इतना दूर आते हो होम सिकनेस तो होना ही है, बट वॉट डज द कॉलेज डू टू मेक यू फील लाइक होम, ऐसा कुछ किया था उन्होंने? सो मैं आई थी जनवरी 2020 में. सो मेरा कोर्स जैसे स्टार्ट हुआ आफ्टर 3 months इन मार्च 2020, कोर्स पैंडेमिक हो गया एंड देन सारा ऑफलाइन हो गया. मैं सिर्फ लैब अटेंड करने जाती थी, बट बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी, तो इसी कारण बहुत सारे फेस्टिवल्स वगैरह इंजॉय नहीं कर पाए, मतलब इतनी सेलिब्रेशंस नहीं हुई. बट आई स्टिल रिमेंबर देर वॉज लाइक वन पार्टी इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, देर वॉज अ वैलेंटाइंस डे पार्टी. सो उसमें बहुत सारे कैंपस के स्टूडेंट ही आए थे और बहुत ही मज़ा किया था वहाँ पे, मतलब मैं बहुत ही सोशल हुई, आई मेड फ्यू फ्रेंड्स इन दैट पार्टी. सो अच्छा था, आई अटेंडेड दैट पार्टी ओनली. बट आफ्टर दैट अगर मैं सोचूं कि अगर ऑफलाइन भी था सब कुछ, बट स्टिल हमें ईमेल्स कैंपस की तरफ से आती थी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली. सो आई यूज टू गेट लाइक रियली अमेज लाइक हाउ दीज पीपल नो अबाउट फेस्टिवल्स लाइक दिवाली एंड होली. बट ऐसा नहीं है कि वो कनेक्टेड फील करवाते हैं. इवन अगर कॉलेज में ना हो, देन देर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेज जहाँ पे आप इंडियन कम्युनिटीज ढूंढ सकते हो टू मेक यू फील लाइक होम. वन ऑफ माई मेमोरेबल एक्सपीरियंस दैट हम्बर वॉज द दिवाली पार्टी जो उन्होंने होस्ट किया था, जहाँ पे इंडियन स्नैक्स, समोसा, गुलाब जामुन सारा था. देयर वाज समवन प्लेइंग एट द ढोल, सो काफ़ी फन था. अगेन ये प्री कोविड था, अब शायद इतना ना हो. एंड अभी भी वो काफ़ी लाइक ऑफलाइन तो नहीं हो पाता, तो ऑनलाइन इवेंट्स करते, ऑनलाइन पार्टीज, ऑनलाइन मूवी नाइट्स. सो दे ट्राई टू मेक यू लाइक फील कनेक्टेड. तो चलो काफ़ी मज़े की बात तो हो गई, अब थोड़ा सा काम पे आते हैं. एंड हर कोई जो यहाँ से ग्रेजुएट होता है उनका मेन गोल तो होता है फुल टाइम जॉब ढूंढना. सो वॉट वर द फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज एट सेंटेनियल? डिड योर कॉलेज हेल्प यू गेट अ जॉब? सो एट सेंटेनियल कॉलेज वी हैव अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड हायर सेंटेनियल. सो वहाँ पे रोज न्यू जॉब पोस्टिंग्स आती थी. दे जस्ट प्रोवाइड यू द रिसोर्सेज कि आपको अप्लाई कैसे करना है. आई गॉट द हेल्प फ्रॉम माई एलुमनाइज सीनियर्स एंड ऑल्सो फैकल्टी मेम्बर्स. सो लिंक्डइन पे उनके साथ कनेक्ट हो जाओ. आई वुड से जितना कनेक्ट होगे यू विल गेट टू नो अगर उन्हीं की जॉब पोजीशन या उन्हीं की जॉब जो भी कंपनी में काम करते हैं वहाँ पे अगर कोई हायरिंग हो रही है, सो दे कैन जस्ट रीच यू आउट. अगर वो कोई पोस्ट भी डालेंगे तो यू विल गेट टू नो कि हाँ ये जॉब टाइटल अवेलेबल है, यू कैन अप्लाई ऑन दैट प्लेटफॉर्म एंड देन ईजिली मिल जाती है जॉब. मतलब मेरे सिनेरियो में मुझे तो जॉब ऐसी मिली थी. आई फील हाँ सबसे ज़्यादा कनेक्शंस बनाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे रेफरेंस और वाया संबंध के लाइक रेफर होते हो वैसे ही चलती है, तो कनेक्शंस बनाना बहुत ज़रूरी है. एंड लिंक्डइन तो मैंने यहाँ पे आके इतना यूज़ किया जितना इंडिया में मुझे पता भी नहीं था. एंड थैंक्स टू माई कॉलेज जिसने दे ऑल्सो हेल्प्ड अस लाइक क्रिएट अ CV एज पर कैनेडियन स्टैंडर्ड्स, क्या चीज़ें आपको ऐड करनी चाहिए क्या नहीं, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसा दिखना चाहिए. सो दे डिड हेल्प अस आउट विद दैट. वी हैड अ हम्बर कॉलेज पोर्टल जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आती थी, बट आई फील उससे ज़्यादा हेल्प हमारी उस चीज़ से हुई कि हमारी जो फैकल्टी मेम्बर्स थे, प्रोफेसर्स थे, दे यूज टू कीप सेंडिंग ओपनिंग्स फ्रॉम देयर कंपनीज और लाइक कंपनीज ऑफ पीपल दे नो. सो दैट लाइक गिव्स यू दैट एडिशनल फैक्टर कि यू हैव लर्न फ्रॉम दिस प्रोफेसर, सो इट्स ईजियर टू क्रैक द जॉब. सो वो चीज़ से काफ़ी हेल्प हो गई. एंड इवन नाउ दे डू दैट, अभी भी वो जॉब अपॉर्चुनिटीज आते हैं तो connected with all of them and they just post something related to any biotechnology or any quality control job. And another thing I want to add here is that most of the time people ask me
इज देयर एनी जॉब फेयर्स हैपनिंग एट द कैंपस और कोई प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं जैसे इंडिया में हमारे होते हैं, बट अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो सेंटेनियल में ऐसे जॉब प्लेसमेंट और जॉब फेयर्स ऐसा कुछ तो नहीं था. बट आई थिंक कॉलेज विल लाइक एवरी कॉलेज हियर इन कैनेडा विल गिव यू ऑल द रिसोर्सेज, दे विल जस्ट गाइड यू इन दैट पाथवे कि ये पाथवे है, नाउ यू हैव टू वॉक ऑन दैट एंड जस्ट गेट योर मंजिल. सो ऐसे गारंटी नहीं होती कि हम आपको जॉब दिलाएंगे, इट्स योर लाइक यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट. ऐसा नहीं है कि आप अच्छे कॉलेज में चले गए तो जॉब आपकी पक्की है. लास्ट पॉइंट जो है वो है कोऑप. सो माई कोर्स हैड अ कोऑप एंड आई एक्चुअली गॉट माई फुल टाइम जॉब थ्रू माई and then they offered me a full time. So did you have one? So my program was the optional co-op one. So I was doubtful about the co-op at that time, but agar main yahan pe tip do aapko sabko to I would say always go for co-op because that will give you exposure of hand-on practice in the lab. I was a student of biotechnology, that is why I'm saying lab word, because बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी and then उसके बाद ये होगा कि आपके पास Canadian experience एक तरह का add on हो जाएगा आपके resume में. So when you will be looking for jobs or then आप apply करोगे, interview देंगे, then they will ask you do you have any experience regarding that field or something like that, then at that time if you will mention that yes I work for this company for these many months and maine ye seekha, wo aapko aise job mein rakhenge. Ha, I think you know Canadian experience ko bahut value karte hai, to aapne India mein agar kaam kiya bhi ho to bhi ek chhota sa Canadian experience bhi bahut value karega. And also if companies ko bhi kam risk lagta hai to hire someone as an intern, in a co-op, yeah, rather than giving them a full job. And also like how smooth was your transition from a student to a working professional, like college supportive tha sare documents dene mein? हाँ, जैसे ही मेरा प्रोग्राम ख़त्म हुआ आई गॉट माई कंडीशनल ट्रांसक्रिप्ट एंड ग्रेजुएशन लेटर लाइक विद इन अ वीक. मुझे सब कुछ उन्होंने भेज दिया कि नाउ यू गाइज कैन अप्लाई फॉर वर्क परमिट एंड दे इवन लाइक सेंड अस अ ट्यूटोरियल हाउ यू कैन अप्लाई फॉर वर्क परमिट एंड इन केस यू नीड एनी रिसोर्स हेल्प यू कैन जस्ट रीच आउट टू अस. सो बहुत ही अच्छा था कि इतनी हेल्प करी एंड देन मैंने वही ट्यूटोरियल्स देके खुद ही वर्क परमिट अप्लाई किया था और सब कुछ ईजिली हो गया. एंड देन मतलब मुझे ऐसे टाइम वेट करना तो पड़ा ही नहीं, within 7 to 14 days वो मेरे mailing address पे आ गया था. But then I waited and applied for another job as soon as I graduated and then after within like 2 or 2.5 months I got my first field job here in Canada. So मेरा process तो काफ़ी fast था and Humber ने काफ़ी help की because मेरे जो co-op वाले थे they wanted me to like just continue as a full timer and not take any breaks. So I had to contact Humber College with all the documents and tell them that I need my documents as soon as possible. So transcript आने में वैसे usually by mail लगते हैं 1-2 हफ्ते, but they sent it to me on email and they were like mail आते रहेगा, ये scanned copy से apply कर दो. And I was like I applied my work permit today and tomorrow I went for my job. तो काफ़ी quick था मेरा and college ने उस चीज़ में support किया, they were also very quick, they understood the situation. सो उस चीज़ में काफ़ी अच्छा था कॉलेज. तो आई थिंक हमने सब कुछ ऑलमोस्ट कवर कर दिया है, बस एक आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था सेंटिनल में एंड आर देयर एनी टिप्स यू वुड लाइक टू गिव आवर व्यूअर्स? सो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था सेंटिनल ने, डे 1 से लेके डे एंड तक सब कुछ हेल्प किया है. मतलब जो भी हूँ मैं अब, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट कॉलेज एंड ऑल द फैकल्टी मेम्बर्स हु हैव सपोर्टेड. अगर कोई टिप देनी है तो मुझे यही कहूँगी कि इट्स बेटर टू कनेक्ट विद ऑल योर सीनियर्स एंड फैकल्टी मेम्बर्स. लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाओ, फेसबुक पे कनेक्ट हो जाओ, ऑन एनी प्लेटफॉर्म कहीं पे भी वो जॉब टाइटल डालेंगे, इट्स बेटर टू यू नो रीच आउट टू देम इन केस व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट जॉब टाइटल सो दैट यू कैन जस्ट अप्लाई. एंड इस पाथवे से जाके जॉब अप्लाई करोगे you will get job like very easily. So ये tip दूंगी मैं अपने सारे viewers को. I completely agree with this कि आपको लोगों से connect करना तो सीखना ही पड़ेगा and I'm not the best at it too but सीख रही हूँ मैं भी. So come prepared कि आपको सबसे बातें तो करनी ही पड़ेगी यहाँ पे. Another thing I would like to add to it is कि I know जब आप नया नया part time job करते हो you like the money coming in, you're like it's my own money, I'm spending, enjoying. But don't get too into it. उसमें
फायदा नहीं है. हाँ, कोई फायदा नहीं है. पे अटेंशन टू योर कोर्स, पढ़ाई पे ध्यान दो, कनेक्शंस बनाओ, बिकॉज इवेंचुअली आपको फुल टाइम जॉब चाहिए एंड ये पढ़ाई और ये आपके जो फैकल्टी है वो ही आपको हेल्प करेगी आगे जॉब ढूंढने में. सो यू नीड टू एक स्टैंड आउट एंड यू नीड टू बी गुड इन योर स्टडीज, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी. आई नो ऑल ऑफ यू विल डू वेरी वेल एंड इफ यू आर कमिंग टू कैनेडा, गुड लक. एंड I think we covered everything. Yeah. But अगर फिर भी आपको लग रहा है कुछ रह गया है, if you have any more questions about Humber or Sentinel, then drop them down in the comments and we both will try to answer them. I hope informational laga and if you did like it, then don't forget to like, comment and subscribe and I will link down Deepika's channel too in my description and हम दोनों के इंस्टा चैनल भी लिंक करूंगी. We both make informational reels about Canada and we are going to collab together. There are like so many reels coming up also, so stay on both tuned. Of the platforms. And see you guys again soon. Again, don't forget to like, comment and subscribe and bye.